हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक प्लांट से हम प्लांट को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, दूसरा प्लांट कैसे बना सकते हैं। तो मेथड तो कई हैं प्लांट को मल्टीप्लाई करने के, मगर हम आपको एक पर्टिकुलर मेथड दिखाएंगे, एक जिससे आप इजीली किसी भी पेड़ का दूसरा प्लांट बना सकते हैं। सो आज हम काम कर रहे हैं अपने चीकू के प्लांट पे। यहाँ पे देखेंगे आप, नए चीकू भी आ रहे हैं छोटे छोटे। ये चीकू का प्लांट है, मगर ये ग्राफ्टेड प्लांट है, ठीक है। इस वजह से छोटे से प्लांट पे गमले में ही फ्रूटिंग आ रही है, फ्रूटिंग गमले में ही आ रही है। मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि एक एयर लेयरिंग के थ्रू हम कैसे एक दूसरा प्लांट बना सकते हैं, जिससे आप गमले में ही, पॉट में ही फ्रूटिंग ले पाए। सो लेट्स बिगिन। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, एयर लेयरिंग करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें शार्पन नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम अपने प्लांट पर कट लगा सकें, ठीक है। एंड नेक्स्ट होगा कोई पॉलीथीन बैग या पॉलीथीन का कोई पीस, जिसके थ्रू हम इसको बांध सकें, मिट्टी को इसके अंदर बांध सकें। एंड सॉइल चाहिए होगी बिल्कुल लाइट, आप लीव मोड लें तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट होगा हमारा ये बांधने के लिए, इसको पूरी एयर लेयरिंग को बांधने के लिए, जिससे अच्छे से टाई हो जाए और नॉट अच्छे से बन जाए। सो हमें इस इतने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एक एयर लेयरिंग को करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें चाहिए कोई ऐसी ब्रांच जो हमारे को सूटेबल हो एक एयर लेयरिंग के लिए। तो हमने एक रनिंग टहनी ली है, हमें ये सही लग रही है इसके एयर लेयरिंग के लिए। सो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसकी जो ये बार्क है इसको उतार लेंगे, यहाँ से दोनों तरफ से अच्छे से कट लगाएंगे। एज यू कैन सी, आपको भी इसी तरीके से करना है, और इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से कट मारेंगे, जिससे दोनों तरफ से ये अच्छे से हट जाए, दोनों तरफ से। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हम कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आपका ये प्रोसेस गलत हो जाता है इन केस, तो आपकी रूट्स आने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रूट्स आती है जहाँ हमने कट मारा है उधर से ही, और बीच में से नहीं आएगी। हम वहीं पे अच्छा सा कट मारेंगे, शार्पन नाइफ से कट मारेंगे, जिस वजह से रूट्स अच्छे से आएंगी। तो अब हम दोनों तरफ इसके कट लगा दिया है हमने अच्छे से, अब इसकी बार्क को हम अच्छे से उतार लेंगे, इस तरीके से उतारेंगे। बड़ी केयरफुली हमें इसकी बार्क को उतारना है, गहराई से नहीं काटना है, सिर्फ जो हल्की हरी है वो बार्क उतारनी है, ये इस तरीके से उतारेंगे। इस तरीके से जहाँ तक कट लगाया सिर्फ वहीं तक उतरेगा, ज़्यादा आगे तक नहीं करेंगे। तब हम अच्छे से इसकी, हमने ये सारी बार हटा ली है, देखिए चारों तरफ से इस तरीके से ही हटाए। इसको थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच भी करेंगे, जिससे इसके जो बची कुची इस पर छाल होगी वो भी हट जाएगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, ऐसे चारों तरफ। अभी हमारे ये टहनी बांधने के लिए रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पे कट अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसी सॉइल लेनी है कि देखिए, ऐसी सॉइल लेनी है जो मॉइस्ट हो, और अगर हम इसको बांधें अपने हाथ से, ऐसे इसको बाइंड करें, तो ये बाइंड हो जाए, इजीली बाइंड हो जाए। इतना इसमें मॉइस्चर होना ज़रूरी है, अगर इसमें इतना मॉइस्चर नहीं हुआ तो आपकी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इतना मॉइस्चर होना चाहिए कि आपको बाइंड करने से ये इजीली बाइंड हो जाए। तो अब हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं।
ऐसे ही आपको नीचे की साइड से ही अप्लाई करना है और ऊपर तक ऐसे बांध देना है यहाँ पे, ऐसे इसको टाइट कर देना है, इसको यहाँ से इस तरीके से टाइट कर देना है। देख रहे हैं अभी थोड़ा ऐसे एकदम से होगा, थोड़ा लूज हो जाएगा, कभी ऐसे लगेगा तो इससे आपको इजीली बांधने में आसानी होगी। अब हम इसको किसी पॉलीथीन से, जो हमने आपको दिखाया कि पॉलीथीन, उससे इसको ऐसे रैप करेंगे, अच्छी तरह रैप कर देंगे। तो रैप करने के लिए नीचे की साइड से ऐसे पकड़ लेंगे, इसको बांध के चले टाइट, इसको अच्छे से बांधे जिससे कि कहीं से भी इसमें ना तो वाटर ना एयर कुछ भी अंदर ना इंजेक्ट हो। इस तरीके से आपको बांधना है, ये देखें। अब इसे ही बांध दिया, ये भी बांध दिया, दोनों तरफ से बांध दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इसे नॉट बांधेंगे, अब देख रहे हैं इस तरीके से इसको बांधेंगे। नॉट इतनी टाइट होनी चाहिए कि अपनी जगह से बार बार हिले नहीं, अच्छे से हो जाएगी ऐसे। पहले हम यहाँ पे अच्छे से नॉट बांध लेते हैं, इस तरीके से बांध दिया। अब इसको पकड़ लेंगे नॉट को, और इस तरीके जहाँ से आपने घुमाया था उसी रोटेशन में इसको लाएंगे। ये इसको इस तरफ से आया है तो इसी रोटेशन में इसको लाएंगे, जिससे ये अच्छी तरह टाइट हो जाएगा, अच्छी तरह टाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ से पानी निकल रहा है तो डजंट मैटर, इसको निकलने देते, कुछ नहीं होता, अच्छे से टाइट हो गया है। दैट इज़ अ सिंबल कि अच्छे से टाइट हो गया है। जैसे ये छोटा पड़ गया है आपका धागा, तो इसको आप बांध सकते हैं, दूसरा इसमें जॉइंट कर लेंगे। देखो अब ये हम इसको अच्छे से बांध देते हैं इधर से। सो मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है, अच्छे से टाई कर दिया है। देखो अब कहीं से भी ना इसमें पानी जाएगा, मॉइस्चर जिसको जो इसके अंदर का मॉइस्चर है इसके अंदर रिटेन रहेगा, और कहीं से भी इसमें हवा नहीं जा रही है, जिस वजह से अब इसमें एक तरीके से ह्यूमस बनेगी जिससे जड़ें आएंगी। तो अब ये बन चुका है, अब इसको हम जब इसमें से जड़ें आती दिखेंगी आपको, तो आपको ये सिंबल होगा कि ये आपकी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो गई है। आप जब यहाँ पे जड़ें देखेंगे इस पॉलीथीन के अंदर, आपको रेड रेड जड़ें या कैसी छोटी मोटी जड़ें दिखेंगी, तो एक महीने बाद आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है, इस साइड से कैंची से आपको या शार्पन टूल से कट कर लेना है, फिर आपका ये दूसरा पेड़ तैयार हो जाएगा चीकू का बहुत अच्छे से। तो इसी इजी मेथड के थ्रू, एयर लेयरिंग के थ्रू, आप किसी भी पेड़ का दूसरा अच्छा पेड़ बना सकते हैं और छोटे गमले में ही फ्रूटिंग ले सकते हैं किसी भी प्लांट से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।